राम राम किसान साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं गेहूं की फसल में अधिक टिलरिंग, अधिक कुटाव के लिए आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, हर बार मैं हमेशा की तरह इस स्प्रे का प्रयोग करता हूं, जो सबसे सस्ता है, सबसे सटीक है और कुटाव के लिए काफी जबरदस्त है। साथ ही आपकी गेहूं की जो फसल है, खेत दिखा रहे हैं, जो हमारे फील्ड है, जो गेहूं की फसल लगी हुई है, इसमें आप देख पा रहे हैं टिलरिंग काफी जबरदस्त है, हरियाली भी जबरदस्त है और इसकी हाइट भी देखिए अभी से कितनी अच्छी है। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं मैं क्या स्प्रे करता हूं। ये आपको जो स्प्रे है दोस्तों 45 दिन की फसल पर ही करना है, क्योंकि जो 45 दिन की हमारी फसल हो जाती है, इसको टिलरिंग के लिए और वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए कुछ अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन और जिंक। नाइट्रोजन जिंक हमें कैसे देना है और किस तरह से स्प्रे करना है, ये हम आज आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको नाइट्रोजन रखनी है 2.5 किलोग्राम, यानी 2.5 किलोग्राम आपको नाइट्रोजन ले लेनी है और इसके साथ में आपको लेनी है 500 ग्राम 21% वाली जो जिंक आती है, जिंक सल्फेट, वो लेनी है। ये घुलनशील आती है, इसको पहले आप अलग पानी में घोल लें जिंक को, और जो यूरिया मैंने आपको 2.5 किलोग्राम बताई है, 2.5 किलोग्राम, इसको आप अलग घोल बना लें। दोनों के घोल अलग तैयार करने के बाद आपस में मिक्सअप कर लेना है, एक में मिला लेना है। और कभी भी ये गलती मत करें कि यूरिया और जिंक साथ में डालकर घोलें, क्योंकि थक्के बन सकते हैं और ये स्प्रे में आपको दिक्कत कर सकती है और इसका असर भी खत्म हो जाता है। तो अलग अलग घोल बनाएं, फिर आपस में आप इनको मिला लें, तब आपको स्प्रे करने में भी आसानी रहेगी और फिर इसको आप अपनी 35 से 45 दिन की फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे का जो सही समय है, सही तरीका है, वो ये है कि आपको 100 से 150 लीटर पानी के मध्य आपको रखना है। 150 लीटर पानी रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप स्प्रे इसको कर सकते हैं। और सिंचाई करने के बाद ही स्प्रे करें, खेत में अच्छी नमी होनी चाहिए, तभी आप इसका पूरा लाभ ले पाएंगे। और हो सके तो शाम के समय इस स्प्रे का प्रयोग करें। दोस्तों, ये वाली जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर करें। इस तरह से आप गेहूं की फसल में अच्छी पैदावार, अच्छा फुटाव ले सकते हैं। हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो सारे मित्रों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद।